जय माता दी, एकेएस का फाइट क्लब में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोग इंटेक्स के आईटी राइडर सीओ बी और पैनासोनिक ST40 के साउंड कंपैरिजन करने वाला हूँ। दोनों ही 4.1 होम थिएटर है, दोनों ही ब्लूटूथ इनेबल्ड है, बट दोनों की प्राइस रेंज में डिफरेंस है। इंटेक्स आपको करीब 5 से कम के आसपास में आता है और पैनासोनिक करीब 7 हज़ार के आसपास में आता है। दोनों ही 4.1 होम थिएटर्स है, इसलिए मैं इन दोनों की फाइट क्लब वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए कुछ गाने बजाते हैं, फिर मैं आपको इन दोनों के डिफरेंसेस बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा आपके लिए कौन सा खरीदना सही रहेगा। अगर बात करें लाउडनेस की, तो लाउडनेस आप देख सकते हो पैनासोनिक से ज़्यादा अच्छी आपको लाउडनेस मिलती है। इंटेक्स में काफ़ी ज़्यादा लाउड है पैनासोनिक के मुकाबले। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन वाइज भी अगर देखें तो इंटेक्स की जो लाउडनेस है वो काफ़ी ज़्यादा दिखती है। तो स्पीकर के हिसाब से अगर बात करें तो देखिए, स्पीकर में आपको किसी तरह प्रोटेक्शन नहीं दी गई है इंटेक्स में, वहीं आपको पैनासोनिक में सामने की तरफ प्रोटेक्शन दी गई है जिससे स्पीकर डैमेज ना हो। तो ये सारी चीज़ें ये भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी खरीदने से पहले। और बात करेंगे क्लैरिटी की, तो क्लैरिटी दोनों ही होम थिएटर से काफ़ी अच्छी है। अगर बात करें इन दोनों की सिर्फ, तो अगर क्लैरिटी के मामले में जाते हो तो आप दोनों ही होम थिएटर्स में कोई भी चूज़ कर सकते हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि आपको जो इंटेक्स की जो ट्रेबल है उसको आपको करीब 2 पे रखना होगा, और 0 पे रखते हो तो क्लैरिटी का और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, बट वहाँ पर थोड़ी सी लाउडनेस कम हो जाएगी। तो क्लैरिटी के मामले में दोनों ही काफ़ी बढ़िया है। अब बात करते हैं इनके बेस क्वालिटी की। तो बेस क्वालिटी का देखें तो दोनों ही होम थिएटर्स अपने अपने जगह में काफ़ी बढ़िया है। दोनों की जो बेस इफेक्ट है वो काफ़ी अच्छी लगती है, बट क्या है जो इंटेक्स की जो बेस इफेक्ट है वो पैनासोनिक से थोड़ी सी ज़्यादा है। हालांकि दोनों के बेस थोड़ी सी पंक्ची है, थम्पिंग इफेक्ट भी काफ़ी अच्छा है दोनों ही होम थिएटर्स में, बट अगर बेस के मामले में जाए तो इंटेक्स आईटी राइडर थोड़ी सी अच्छी आपको मिलेगी बेस उसकी। और पैनासोनिक भी ठीक है, अगर आपको पैनासोनिक पसंद है तो आप बेस के हिसाब से भी ले तो पैनासोनिक अच्छा है, आप ले सकते हो। बट अगर आपका बजट कम है, 5 हज़ार के आसपास हेवी बेस चाहिए, लाउडनेस चाहिए, तो आप इंटेक्स चेक कर सकते हैं। इंटेक्स भी काफ़ी बढ़िया रहेगी आपको। और बात करें अब इन दोनों के डिफरेंसेस, तो देख सकते हो आपको पैनासोनिक में किसी भी तरह का डिस्प्ले नहीं मिलती है, बस एक एलईडी इंडिकेटर मिलता है, ऊपर में बेस ट्रेवल कंट्रोल दिया गया है। बट इंटेक्स में क्या है यार, आपको डिस्प्ले मिल जाता है जहाँ से आप हर एक
चीज को जान सकते हो कि वॉल्यूम लेवल कितने पे है, इनपुट क्या है। और इंटेक्स में आपको मिलता है बेस, जो ट्रेबल कंट्रोल है वो आपको रिमोट में मिल जाता है, जो कि पैनासोनिक में जॉग डायल टाइप का दिया गया ऊपर की तरफ है। तो आपको अगर कम ज़्यादा करना है तो आपको वहाँ पे जाकर करना पड़ेगा और रिमोट से इंटेक्स में हो जाएगा। तो ये डिफरेंसेस होती है रियल लाइफ में। हालांकि आप रोज़ रोज़ तो बेस ट्रेबल कंट्रोल नहीं करते हो, फिर भी ये चीज़ें हैं जो आपको गौर करनी पड़ेगी जब आप एक होम थिएटर खरीदते हो तो। और बिल्ड क्वालिटी देखें तो बिल्ड क्वालिटी दोनों ही होम थिएटर्स के ठीक ठाक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। पैनासोनिक 7000 में आता है, इंटेक्स 5000 में आता है। बजट कम है तो इंटेक्स ले सकते हैं, अगर बजट अच्छा है, पैनासोनिक पसंद है तो पैनासोनिक भी ले सकते हैं। तो ये थी मेरे आपको फाइट क्लब वीडियो पैनासोनिक ST40 की और इंटेक्स के IT राइडर SUV की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तब इसको जोर से लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, या कमेंट कर कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।